वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 16 अगस्त 2018 और 16 अगस्त 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं और जो भी वीडियो मैंने वहां पर अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में अक्षय कुमार को सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यहां पे बात आई है ब्रांड एम्बेसडर की, तो एक क्वेश्चन मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछा था किसी स्टूडेंट ने कि सर ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाए जाते हैं? तो आज मैं आपको बताता हूं कि ब्रांड एम्बेसडर बनाए क्यों जाते हैं। ऐसे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है जिनका पब्लिक पे ज्यादा इंपैक्ट होता है, यानी कि जो पब्लिक पे ज्यादा असर डाल पाते हैं ऐसे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। अक्षय कुमार अभी बहुत पॉपुलर हैं, अभी उन्होंने टॉयलेट मूवी भी बनाई थी, तो उनका पब्लिक पे ज्यादा इफेक्ट है, वो पब्लिक पे ज्यादा असर डाल पाएंगे, इसीलिए उन्हें सड़क सुरक्षा अभियान का भी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। और अभी हाल ही में असम की स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी हिमा दास, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इन्हें क्यों बनाया गया? क्योंकि हिमा दास हैं असम की, और अभी हाल ही में हिमा दास ने गोल्ड मेडल जीता था। जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता तो पूरा देश उन्हें जान गया, साथ में असम की जितनी लड़कियां थी उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हुआ कि स्पोर्ट्स में भी कुछ अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि हिमा दास असम की हैं, तो असम की लड़कियों को स्पेशल मोटिवेशन मिला। और इसी को देखते हुए तुरंत असम गवर्नमेंट ने हिमा दास को स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। अब इससे क्या हुआ कि जो लड़कियां हैं असम की उनके अंदर स्पोर्ट्स के लिए और मोटिवेशन होगा पैदा, और वो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाएंगी, तो इसलिए हिमा दास को स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था असम का। अब अक्षय कुमार को बनाया गया है सड़क सुरक्षा अभियान का। तो सड़क की बात आई है तो मैं आपको बता दूं प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, और अभी इन्हें अक्षय कुमार को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। तो अक्षय कुमार ने 3 छोटी छोटी रोड सेफ्टी अवेयरनेस वीडियो भी लॉन्च की हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। क्या किया है? 3 छोटी छोटी रोड सेफ्टी अवेयरनेस वीडियो लॉन्च की हैं अक्षय कुमार ने, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। कल के वीडियो का हमने टारगेट रखा था 31,000 लाइक का, आपने वो टारगेट पूरा किया लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा, तो आज के इस वीडियो का हम फिर से टारगेट रखते हैं 31,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक जरूर किया करो, और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं हर दिन अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन हर दिन मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और मैं आपको कई बार बोल चुका हूं मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले आप ये वीडियो देखो, मैं आपको हर दिन याद दिलाऊंगा कि आपको एक टारगेट फिक्स करना है। और अगर आप रेगुलर इस वीडियो को देखते रहे तो एक तो आपको टारगेट फिक्स करने की हैबिट डेवलप हो जाएगी, और किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, इतना मैं आपको बोल सकता हूं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो रमेश पवार को अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, इनसे पहले कोच कौन थे? तो इनसे पहले कोच थे तुषार अरोठे, ये जो मैंने बी ऑप्शन पे लिखे हैं ये इनसे पहले राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के कोच थे, लेकिन इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था तो तब से कोच का पद खाली था, और अब रमेश पवार को राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। अच्छा, राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की बात आई है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, नादिया एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, तो आप याद रखिए झूलन गोस्वामी को नादिया एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। किसे? झूलन गोस्वामी को, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पिच टू मूव प्रतियोगिता की शुरुआत किसने की है? तो अभी हाल ही में पिच टू मूव प्रतियोगिता की शुरुआत की है नीति आयोग ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मैंने इस क्वेश्चन में पिच टू मूव को हाईलाइट किया हुआ है, ये है क्या, ये प्रतियोगिता क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो उभरते हुए उद्यमियों को कारोबार से जुड़े नए विचार जूरी के सामने पेश करने का अवसर प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने यह पिच टू मूव प्रतियोगिता शुरू की है।
अब ये उभरते हुए उद्यमियों को नए कारोबार से जुड़े विचार जूरी के सामने पेश करने का अवसर प्रदान करने के लिए पिच टू मूव प्रतियोगिता शुरू की है। तो इसका भी मतलब तो समझ में नहीं आता है, इसका मतलब क्या है। तो जितने भी नए एंटरप्रेन्योर हैं वो जब अपना उद्योग शुरू करते हैं, अपना उद्यम शुरू करते हैं, तो उनके अंदर अंदर नए नए विचार आते हैं। तो वो नए विचार एक जूरी हो उसके सामने पेश करें तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, उसे और क्या अच्छा किया जा सकता है, ये एक अवसर प्रदान करने के लिए पिच टू मूव प्रतियोगिता शुरू की है नीति आयोग ने। किसने शुरू की है? नीति आयोग ने। और जब भी नीति आयोग का बात आती है मैं आपको नीति आयोग के बारे में पूरा डिटेल में बताता हूं। और अगर आप रेगुलर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको याद हो गया होगा। एक बार फिर रिवाइज करते हैं, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, यानी कि नरेंद्र मोदी जी हैं प्रेजेंट टाइम पर नीति आयोग के अध्यक्ष। प्रेजेंट टाइम पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है नीति आयोग से कि नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम पर सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत हैं प्रेजेंट टाइम पर नीति आयोग के सीईओ। अच्छा, ये जो ब्रिज टू मूव प्रतियोगिता होगी इसके अवार्ड भी दिए जाएंगे। अब इसके जो अवार्ड दिए जाएंगे वो कौन देगा? वो देंगे भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि नरेंद्र मोदी जी इस पिच टू मूव प्रतियोगिता में जो विनर होंगे उन्हें अवार्ड देंगे। 7 से 8 सितंबर को विश्व गतिशीलता शिखर सम्मेलन होगा न्यू दिल्ली में, और वहीं पे नरेंद्र मोदी जी पिच टू मूव प्रतियोगिता के विनर्स को अवार्ड भी देंगे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ केयर बीमा का शुभारंभ किसने किया है? तो ये शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, लाल किले से इसका शुभारंभ किया है। 15 अगस्त पर जब मोदी जी ने लाल किले पर भाषण दिया तो वहीं पे दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ केयर बीमा का शुभारंभ किया। अब यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ केयर बीमा लिखा है, इसका मतलब क्या है? तो आयुष्मान भारत मिशन को शुरू किया है, आयुष्मान भारत जो योजना है उससे शुरू किया है। अब उसमें क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था, 5 लाख तक का हेल्थ कवर दिया जाएगा और इंडिया के 10 करोड़ परिवारों को दिया जाएगा। कितना? 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक का हेल्थ कवर दिया जाएगा। अब ये 10 करोड़ परिवारों को दिया जाएगा इसीलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर बीमा कहा जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा, क्योंकि 10 करोड़ परिवारों को दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है 5 लाख तक का हेल्थ कवर दिया जाएगा आयुष्मान भारत योजना में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने नेपाल को तराई रोड परियोजना के लिए कितने मिलियन नेपाली रुपए का अनुदान दिया है? तो 470 मिलियन नेपाली रुपए का अनुदान दिया है भारत ने नेपाल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे आप ये ध्यान रखना, भारतीय रुपए नहीं है ये, 470 मिलियन नेपाली रुपए हैं। भारतीय रुपए और नेपाली रुपए क्या अंतर है? तो एक इंडियन रुपी है 1.59 नेपाली रुपी के बराबर। कितना? 1.59 नेपाली रुपी के बराबर है एक इंडियन रुपी, यानी कि हमारी करेंसी नेपाल की करेंसी से अच्छी है। लेकिन डॉलर के कंपैरिजन में अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो बहुत गंदी हालत में है हमारी करेंसी, बहुत बुरी हालत में, इंडिया के इतिहास में सबसे गंदी हालत में अभी हमारी इंडियन करेंसी है डॉलर के कंपैरिजन में। डॉलर 71 तक पहुंच चुका है, 71 कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, प्रेजेंट टाइम पे डॉलर 71 तक पहुंच चुका है। अब इंडिया ने 470 मिलियन नेपाली रुपए का अनुदान नेपाल को दिया है। तो नेपाल के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर मैप में देखिए आप, ये है नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया, नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। ये चीजें आपको याद हो गई होंगी, लेकिन फिर भी जब भी नाम आए तुरंत आप रिवाइज करिए। बहुत कम टाइम लगता है रिवाइज करने में, लेकिन आप एक बार रिवाइज कर लेते हो तो बहुत टाइम के लिए आपको ये याद हो जाती है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डी बाला वेंकटेश वर्मा को किस देश का अम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो डी बाला वेंकटेश वर्मा को अभी रसिया का अम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है डी बाला वेंकटेश वर्मा, और ये अभी तक स्पेन के ब्रांड अम्बेसडर थे, लेकिन अब इन्हें रसिया का ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। इस इमेज में भी आपको मैड्रिड लिखा दिख रहा होगा, मैड्रिड कहाँ है? स्पेन की कैपिटल है। तो ये इमेज उस टाइम की है जब ये स्पेन के अम्बेसडर थे, लेकिन अब इन्हें रसिया का अम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब रसिया का अम्बेसडर नियुक्त किया गया है तो रसिया के बारे में आपको बता देता हूँ। पहले आप मैप में देखिए, ये है रसिया, रसिया की कैपिटल है मॉस्को, रसिया की करेंसी है रशियन रूबल, रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दमित्री मेदवेदेव। और एक और क्वेश्चन बचता है रसिया से, कई बार मैंने आपको बताया है, रसिया की संसद का नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे रसिया की संसद का नाम है ड्यूमा। क्या नाम है? ड्यूमा।
तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो अभी हाल ही में आनंदीबेन पटेल को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कल के ही वीडियो में आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ के जो अभी राज्यपाल थे बलराम जी दास टंडन, उनका 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो अब वहां पर राज्यपाल का पद खाली है, तो आनंदीबेन पटेल को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तो ये भी तो पता होना चाहिए कि आनंदीबेन पटेल हैं कहां की राज्यपाल, तो ये मध्य प्रदेश की अभी राज्यपाल हैं और अब इन्हें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत से बच्चों को गोद लेने पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो ये अभी प्रतिबंध हटाया है ऑस्ट्रेलिया ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये प्रतिबंध हटा लेने का मतलब क्या है? आज से 8 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया से बच्चों को गोद लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों प्रतिबंध लगाया था? क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, तो इसी को देखते हुए गोद लेने के बहाने से चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही थी बहुत ज्यादा, तो इसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया से बच्चों को गोद लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अब 8 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने ये प्रतिबंध हटाया है। अब ऑस्ट्रेलिया ने हटाया है तो आप मैप में देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है मैलकम टर्नबुल, इनका नाम भी आप याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएनएस तरड़ी के सदस्यों के लिए बहादुरी पुरस्कार को किसने मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है राष्ट्रपति ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हमारे प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आईएनएस तरड़ी की जो सदस्य महिलाएं थी उनको बहादुरी पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। अब इस क्वेश्चन में ये जो टर्म लिखा है आईएनएस तरड़ी, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। तो आईएनएस तरड़ी पर भारतीय नौसेना की 6 महिलाएं पूरे विश्व का भ्रमण करने निकली थी, और ये कब निकली थी? सितंबर 2017 में, और मई 2018 में ये वापस आई, यानी कि इन्होंने 8 महीनों में पूरे विश्व का भ्रमण करके ये वापस इंडिया आ गई। जब ये वापस इंडिया आई तो गोवा में हमारी प्रेजेंट टाइम की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर और नौसेना प्रमुख सुनील लांबा, इन्होंने तीनों लोगों ने मिलकर इनका स्वागत किया। ये भारत के इतिहास में पहली घटना थी जब भारतीय नौसेना की 6 महिलाएं पूरे विश्व का भ्रमण करके वापस आई थी। इसीलिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन चुका है, एक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये आईएनएस तरड़ी की जो 6 महिलाएं गई थी उनका कैप्टन कौन थी? उनकी कैप्टन का नाम आप याद रखिए, वर्तिका जोशी थी आईएनएस तरड़ी की 6 महिलाओं की कैप्टन। क्या नाम है इनका? वर्तिका जोशी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कन्याश्री के लिए आय की अंतिम सीमा को हटाया है? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार ने हटाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा है कन्याश्री, तो ये पश्चिम बंगाल की एक बहुत फेमस योजना है कन्याश्री योजना। अब ये योजना क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये योजना है मेनली लड़कियों के लिए, और इस योजना की शुरुआत हुई थी 2013 में। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने लड़कियों के लिए कन्याश्री योजना शुरू की थी 2013 में। अब इस योजना में क्या होता था, जो लड़कियां 13 साल की उम्र पूरी कर चुकी हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 से कम थी, उन परिवार की लड़कियों को पर ईयर 25,000 रुपए दिए जाते थे, जिससे कि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें, और ये 25,000 रुपए उनकी आय 18 वर्ष होने तक दिए जाते थे, यानी कि जब तक उनकी एज 18 वर्ष नहीं हो जाती तब तक कंटिन्यू दिए जाते थे। तो 13 से लेकर 18 वर्ष तक की लड़कियों को 25,000 रुपए पर ईयर दिए जाते थे, और जिनके परिवार की आय 1.2 लाख से कम थी। लेकिन अब ये परिवार की आय वाला क्राइटेरिया हटा दिया है, तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने कन्याश्री के लिए आय की अंतिम सीमा, यानी कि जो इनके परिवार की आय की लिमिट थी 1,20,000, उस लिमिट को खत्म कर दिया है। यानी कि अब जितने भी परिवार हैं और जिनकी भी लड़कियों की आय 13 साल हो चुकी है उनको ये मदद दी जाएगी 25,000 रुपए पर ईयर। तो ये है कन्याश्री योजना, और इसको लंदन में एक अवार्ड भी मिल चुका था, इसीलिए मैंने आपको बोला ये पश्चिम बंगाल की बहुत फेमस योजना है। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात आई है तो आप मैप में देखिए, ये है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, और जब भी कोलकाता का नाम आए आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे स्थित। पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं केसरीनाथ त्रिपाठी, तो इतना आपको पश्चिम बंगाल के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सितंबर को पोषण का महीने के रूप में मनाने का निर्णय लिया है?
तो ये निर्णय लिया है राजस्थान ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। राजस्थान गवर्नमेंट सितंबर के महीने को पोषण के महीने के रूप में मनाएगी। अब पोषण के महीने के रूप में मनाने का मतलब क्या है, इसमें मेनली न्यूट्रिशन वैल्यू पर ध्यान दिया जाएगा। जो गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील मिलता है उसमें अब सप्ताह में 3 बार दूध भी दिया जाएगा। राजस्थान के जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे जो मिड डे मील मिलता है फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक के स्टूडेंट को, उनको अब सप्ताह में 3 बार दूध भी दिया जाएगा। यानी कि मेनली न्यूट्रिशन वैल्यू पे फोकस किया जाएगा और सेप्टेम्बर के महीने को पोषण के महीने के रूप में राजस्थान गवर्नमेंट बनाएगी। अब राजस्थान गवर्नमेंट बनाएगी तो आप मैप में देखिए, ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान की प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है वसुंधरा राजे। और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है कल्याण सिंह जी। तो इतना राजस्थान के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने शुरू की है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना क्या है, ये बिल्कुल आयुष्मान भारत योजना की तरह ही है, बिल्कुल उसी के सिमिलर है। इसमें भी 5 लाख तक का हेल्थ कवर दिया जाएगा और सेकेंडरी और टर्शरी लेवल के जो हेल्थ प्रॉब्लम है उनके लिए 5 लाख तक का हेल्थ कवर देगी उड़ीसा गवर्नमेंट। तो मैंने आपको बोला जो आयुष्मान भारत योजना में है सेम वही है बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना में, लेकिन इसे उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अब उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है तो मैप में देखिए आप, ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है गणेशी लाल। कौन है, गणेशी लाल। तो इतना आपको उड़ीसा के बारे में भी पता होना चाहिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने कोलकाता में वीजा आवेदन केंद्र खोला है, तो इजराइल ने अभी हाल ही में कोलकाता में वीजा आवेदन केंद्र खोला। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है, मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल का निधन हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश RC INDRESHRC इंस्टाग्राम पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी एजिटेशन डिस्कस कर सकते हो। आज के वीडियो का टारगेट आप याद रखना, आज के वीडियो का टारगेट है 31,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपसे लाइक जरूर करना, और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।